बेपनाह मोहब्बत में लड़की ने लड़के को अपना दिल गिफ्ट दिया। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वो सुंदर थी उतना ही ईमानदार, ना किसी से झूठ बोलना, ना फालतू की बातें करना। अब अपने काम से काम। उसी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती थी तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती थी। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। पेड़ बहुत छोटा था, बूंद छन छन कर उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका, उसके लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन चाहती थी, इसीलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराजगी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुन लड़का बोला, जाने मन में तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यार की सुनकर अपना सारा गुस्सा भूल गई और दौड़ कर लड़के से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे बैठी थी और लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बातें मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के छुपने रुआसा होकर बोला, जान मैंने अपने घर वालों से चाया पर वो हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया, तुम्हें कभी भुला नहीं सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। बस यही है तेरी मेरी कहानी।